जय हिंद मेरे प्यारे भारतीयों। दोस्तों, कैशिफाई से मैंने सैमसंग का फोन 1000 का मंगाया, 6GB रैम का। बहुत अच्छा लुक है इसकी, टेस्टिंग, कैमरा टेस्टिंग सब कुछ होगा। छोटी सी वीडियो देख लीजिए भारतीयों। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बिल देख लीजिए कैशिफाई का, 1000 का है, 6 128GB वाला सैमसंग। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर फ़ोन की क्वालिटी मैं दिखाना चाहता हूँ, तो फ़ोन काफ़ी अच्छा कंडीशन में आया है, 1000 के हिसाब से अच्छा फ़ोन है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, FPS मीटर भी चेक करेंगे, गेमिंग टेस्ट करेंगे, क्योंकि अगर गेम ये फ़ोन चला लिया तो सारे टास्क ये आराम से कर लेगा। और इसमें एक्जेनोस का प्रोसेसर है, 2.18 GHz का प्रोसेसर है। और ये डिवाइस को आप देख सकते हो, सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 मॉडल है, 6GB रैम है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है। तो मैंने आपको स्पेसिफिकेशन प्रूफ के लिए दिखा दिया ताकि मेरे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स यकीन कर पाएँ, मैं हर चीज़ प्रूफ के साथ इसी ले करता हूँ। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट काम ये करेंगे, FPS मीटर ऑन करेंगे और गेमिंग टेस्ट करेंगे, क्या 60 FPS पे कोई गेम ये खेल पाएगा। सबसे पहला गेम है COD मोबाइल, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, उसके बाद हम लोग खेलने वाले हैं BGMI, फिर उसके बाद फ्री फायर खेलेंगे। तो अभी देखिए FPS पे 21 दिखा रहा है, 23 दिखा रहा है, और ये हाई सेटिंग पे चल रहा है, उस हिसाब से सही। अगर लो सेटिंग पे आप खेलेंगे तो प्लेबल गेम रहने वाला है। तो ये गेम काफ़ी सही चल रहा है, टच रिस्पॉन्स भी इसका काफ़ी A1 लेवल का है, एमोलेड डिस्प्ले है, तो वो भी अच्छा दिख रहा है हमें, व्यू भी अच्छा दिख रहा है, ग्राफिक्स क्वालिटी भी अच्छी है। अब सेकंड गेम हमारा BGMI है, ये क्राफ्टन की तरफ से जो इंडिया ने बिल्ड किया है। तो यहाँ पर BGMI गेम ओपन हो रहा है, तो यहाँ ओपन हो गया, FPS मीटर मैं लगा देता हूँ, तो थोड़ा वीडियो स्किप कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर मैं FPS मीटर लगा के आपको पूरा गेम प्ले दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले बता दूँ, मैं गेमर अच्छा नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप गेम को जज मत करिएगा, मगर यहाँ पर मोबाइल की परफॉर्मेंस आप ज़रूर दे सकते हो। तो सेटिंग पर जाकर, यहाँ पे ग्राफिक्स में जाकर आपको दिखा देते हैं, स्मूथ पे हाई चला जाएगा, और यहाँ पर आपका बैलेंस्ड पे भी चला जाएगा और HD पे भी चला जाएगा, HDR से यहाँ पर नहीं चलेगा, वो मैं चेक कर चुका हूँ। तो अभी यहाँ पर दिखाता हूँ आपको गेम प्ले कैसा रहने वाला है। फ्रेंड, FPS चाहे कम आ रहे हो, मगर ग्राफिक क्वालिटीज़ का GPU काफ़ी अच्छा है एक्सनोस का, तो इसमें काफ़ी अच्छे रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे। और नीचे उतरते टाइम आप देखिएगा बिल्डिंग कितनी जल्दी बन रही है, वो डिपेंड करेगा इसके ग्राफिक क्वालिटी पे। किसी किसी मोबाइल में होता है बिल्डिंग्स बन नहीं पाती, और यहाँ पे बहुत ईजिली बन गई, तो ये काफ़ी अच्छी बात मुझे लगने वाली है और लगी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सही चल रहा है, अराउंड 20-25 FPS के बीच में ये गेम जा रहा है, उस हिसाब से सही। लो सेटिंग पे आप खेल सकते हो, लो सेटिंग पे आप खेल सकते हो, 2018 का मॉडल के हिसाब से लो सेटिंग काफ़ी सही रहने वाली है। ये आजकल का गेम है, उस टाइम ऐसे गेम अवेलेबल नहीं थे, और अवेलेबल थे तो कम GB के थे, कम ग्राफिक रिक्वायरमेंट रहती थी। तो ये गेम तो काफ़ी मस्त चल रहा है और मुझे मज़ा भी आ रहा है। फ्रेंड, मैं खेल नहीं पाता हूँ, मगर मज़ा मुझे भी आ रहा है, और यहाँ पर टच रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, फटाफट टच हो रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है अच्छे से। सो फ्रेंड, यहाँ पर जाकर देखता हूँ, कुछ मार के भी देखता हूँ ये मार पाऊँगा कि नहीं। सो फ्रेंड, यहाँ पर ओ भाई, ओ शिट, यस, मार दिया। तो फ्रेंड, यहाँ पर तो मज़ा ही आ गया, मौज हो गई, और यहाँ पर सही चला। अब नेक्स्ट गेम हम लोग खेलेंगे, चलिए नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं, FPS ऑन कर लेते हैं, FPS मीटर ऑन करके हमारे नेक्स्ट गेम पे चलते हैं। और नेक्स्ट गेम बहुत लोगों का फेवरेट है क्योंकि ये लो डिवाइस में आराम से चल जाता है। इस गेम को 40 FPS के अबव तो निकालना ही पड़ेगा, 6GB रैम का वरना मतलब ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं कितने FPS पे ये गेम चलने वाला है। ओ माई गॉड, 59 FPS, वाओ यार। और फ्रेंड, इसकी ग्राफिक सेटिंग हाई पर है, हाई मतलब कि काफ़ी सही है यार इस हिसाब से। और यहाँ पर नीचे उतर गए हैं, बिल्डिंग ये तो टॉप क्लास चल रहा है। फ्री फायर अगर आपको खेलना है तो ये गेम, ये मोबाइल आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, 1000 रुपये में। फीचर फ़ोन आता है यहाँ पर पूरा एंड्रॉयड, वो भी सैमसंग ब्रांड का मिल रहा है, जिसकी रीसेलिंग वैल्यू काफ़ी हाई रहती है। तो मज़ा ही आ रहा है, मौज हो गई है। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं घर के अंदर जाकर थोड़ा लूट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर कुछ गन्स वंस उठा लेता हूँ।
तो थोड़ा रुक जाता हूँ फ्रेंड, मेरी आवाज़ थोड़ी और ख़राब हो रही, तो थोड़ा वेट करता हूँ, थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ। आप गेम प्ले देखिए, यहाँ पे गोलियाँ तो मस्त चल रही हैं। ये मार देते हैं। ओ भाई, उधर जा कर देखता हूँ कुछ हो पाए। ओ भाई, गन ख़त्म, गोलियाँ ख़त्म, एमओ ख़त्म। ये और फ्रेंड, इसके बाद नेक्स्ट टेस्टिंग और अच्छी होने वाली। इसी वीडियो में कैमरा टेस्ट भी होने वाला है, तो अभी गेम प्ले टेस्ट देख लीजिए, उसके बाद कैमरा टेस्ट देख लीजिए। और स्पीकर तो इसका सही निकला ही, और भी फ़ोन में मंगाऊंगा, आप लोग को दे भी दूंगा फ़ोन, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा FPS निकल गया है, 50 से नीचे तो जा ही नहीं रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है फ्रेंड। अच्छे अच्छे फ़ोन में, आजकल के फ़ोनों में नहीं इतना आता है, तो मस्त फ़ोन निकला फ्रेंड। और यहाँ पर अभी कैमरा टेस्ट भी थोड़ा सा करते हैं, चलिए कैमरा ओपन करते हैं। तो पीछे का इसका कैमरा है 24-5-8, ट्रिपल सेटअप कैमरा है पीछे का 24-5-8, और फ्रंट कैमरा 24 MP का है, 24 MP। आप बिलीव कर सकते हो, आजकल के फ़ोनों में भी 8 MP 5 MP देते हैं बजट फ़ोन में। और हाजमोला की शीशी को यहाँ पे उठाया और यहाँ पर ये करके देखा, फ्लैश जला के भी एक बार देख लेते हैं। फ्लैश के साथ भी ठीक है, उतनी ख़राब नहीं है, पहले का 2018 का मॉडल है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक है कैमरा। तो फ्रेंड प्लीज़ वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और आर्मी को हमेशा सपोर्ट करते रहिए, भारतीय आर्मी को बात कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बड़ों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।